नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर हमले की कोशिश, पूर्व विधायक ने एसपी से की शिकायत, कहा राजनीतिक साजिश के तहत हुआ हमला। पूर्व मंत्री एनोस एक्का के ऊपर पाकरटांड थाना क्षेत्र के कुम्बांग बेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का गुरुवार को अपने गृह प्रखंड पाकरटांड के कुम्बांग बेड़ा में आयोजित खेल कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब ये भाषण दे रहे थे उस वक्त इनके ऊपर लव साहू, कुश साहू, बिहारी साहू और बहादुर साहू नामक लोगों ने गाली गलौज करते हुए लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए एनोस एक्का पर जानलेवा हमला किया और इन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी। उनके बॉडीगार्ड उन्हें बचाते हुए वहां तक लाए और उन्हें वहां से लेकर तुरंत निकल गए। अपने ऊपर हुए हमले की कोशिश से एनोस ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन पर हमले की साजिश की है वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला किसी बड़े नेता के शह पर हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी लोकप्रियता से डरकर अब लोग इस तरह की घिनौनी हरकत करने पर उतारू हो गए हैं। अपने ऊपर हमले के प्रयास के बारे में एसपी से बात कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने इनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को कई निर्देश दिए। इसके बाद थाना प्रभारी ने वहां कुछ लोगों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे मामले में एनोस एक्का पुलिस को लिखित आवेदन दे रहे हैं। एसपी कुमार सौरभ ने कहा कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का खेल कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि जब वह कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे इसी दौरान कुछ लोग एनोस एक्का के खिलाफ में नारेबाजी करने लगे थे। एसपी ने कहा कि मामले की जांच का जिम्मा सिमडेगा सर्कल के इंस्पेक्टर को दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अग्रेतर कार्रवाई करेगी।